हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जो है एक लाइव सेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको अपनी लैब से सीधे आपको लाइव हो रहा हूं। इसमें बेसिकली आज का हमारा ये टॉपिक है कि कैसे स्टूडेंट्स को जो है एग्ज़ाम्स के प्रेशर को कैसे वो हैंडल करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो जो है सबसे पहले तो अपने जो क्लासेस के नोट्स हैं उसको ध्यान दें, और जो है जितना भी उनके एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, उनको जो है कहते हैं कि उन पर ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉइंट वाइज जो है नोट्स बनाकर जो है स्टडी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उन पर ध्यान दें, और जो है एक टाइम टेबल बनाकर, जैसे कि एक लिमिटेड टाइम में जैसे सब्जेक्ट को फिनिश किया जाता है, उस तरीके से जो है आप उनको जो है फिनिश करें। जो है सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो है जब भी एग्ज़ाम आते हैं तो आप जो है इधर उधर जो है भागने लगते हैं, जैसे कि आप ये किताब पढ़ लें, वो किताब पढ़ लें। आप जो है सिंपली एक किताब जो है उसको फिक्स रखिए, जिससे कि आपको मतलब कि मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट एक्स है उसको पढ़ना है, तो सबसे पहले उसके अंदर सॉल्व पेपर उठाइए और उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, आप उनको जो है एक पेज में उनको नोट डाउन कर लीजिए, और उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से उनके फिगर उनके इक्वेशंस को अच्छे तरीके से उसके नोट्स बना लीजिए, और फिर उनको कई बार उसका रिवीजन करिए। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि आपके जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड फिगर आप अच्छे से बनाएं, उसके बाद उससे रिलेटेड इक्वेशन अच्छे से लिखें, उससे रिलेटेड पॉइंट्स जो है उसको पॉइंट वाइज समराइज करें, उसके बाद जो है आप अपना आंसर जो है पूरा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप कभी भी एग्ज़ाम में जो है कॉपी साथ ही मत छोड़ के आइए। उसका जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसमें जो है आप उनके बारे में जो है हल्का फुल्का क्या है मतलब इतना डिस्क्राइब कर दीजिए, इससे कि एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ उसमें नंबर दे दें। अगर आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और विद इन टाइम में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है कोई एग्जामिनर फेल कर सकता है। और परीक्षा से आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप परीक्षा को ईजिली दीजिए, क्योंकि आप घबराएंगे तो उससे आपके मतलब आपके साथ जो है मतलब पेपर ख़राब होने के चांस बन जाते हैं। परीक्षा में आराम से एकदम शांत चित्त से जाइए, अच्छे से परीक्षा दीजिए, और पेपर्स जो है आपके पास होने के लिए ही बनाए जाते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि स्टूडेंट फेल हो जाए। तो आप जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हों उनको लगाइए, उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। ओके ठीक है, हमारे चैनल को देखने के लिए आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।